थे 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 यार मुझे इनको देख के तो ऐसा hmm, लगता तो तो है हर दूसरे दिन में इनको मिलती सच में हाँ यार बहुत अमेजिंग फीलिंग है मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा मेरी लाइफ का फेज हो जाएगा यू नो ये हर जो भी इस फील्ड में होता है ना इंसान उसका सपना होता है ऐसी जिंदगी जीने का की कोई कहीं से भी हम क्रॉस कर रहे हैं रोड क्रॉस कर रहे हैं तो लोग आ रहे हैं कि पिक्चर चाहिए फोटो चाहिए सो इट्स अ अल फीलिंग हुआ है, को लेकर लोगों का बदला है। बहुत बदल गया भैया बिल्कुल सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा बट एक्चुअली बहुत प्यार मिला है मुझे और आ, बिग बॉस प्लेटफॉर्म यू नो बहुत लोग आपको जानने लगते हैं और आपकी रीच भी बहुत बढ़ जाती है तो मेरे साथ भी वही हुआ है मैं बहुत खुश हूँ अपनी बिग बॉस के जर्नी से में हाँ दिखे तो दिखे मेरा तो मेरे 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 लिए था ही बहुत इसके ऊपर काफी सारे भी मैंने दिए उसके अलावा हिसाब uh, से अभिषेक एंड ओके जर्नी की वजह से करता था टॉप थ्री बट मनारा की जगह पे आई बिलीव अंकिता जी ज्यादा डिजर्व करती यार वो मैं उनके घर जब गई वो सोके उठी थी और क्या इंटरेक्शन रहेगा मैं तब भी वही लग रहा था कि हम अभी भी शायद बिग बॉस के घर में ही बैठे हुए क्योंकि ऐसे कभी इंटरेक्शन हुई ही नहीं है बाहरी दुनिया में पर अब हम मिलने की शुरुआत कर रहे हैं धीरे धीरे करके कि बिग बॉस के बाहर भी हम वो रिश्ता यू नो बना के रख पाए

उसकी जीत के, के, के लिए बाप रे यार बहुत लोग थे मैंने देखा वीडियो पूरा रोड रोड ब्लॉक हो गया था सो वेरी नाइस मुनावर अ लॉट ऑफ फैंस सो कांग्रेचुलेशंस टू हिम। जी जी अभिषेक को भी कॉन्ग्रेचुलेशन यार सब अपनी अपनी लाइफ में बिग बॉस एक इंसान की जिंदगी की जर्नी ना असली बिग बॉस के बाद शुरू होती है तो मैं खुद भी देखना चाहती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ बिग बॉस के बाद मेरे क्या प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं सो आई एम फोकसिंग ओनली ऑन माई सेल्फ राइट